नमस्कार, मैं प्रदीप शाह आज आपके समक्ष एक विशेष वीडियो लेके आया हूं। पशुजन्य खुराक और हमारा स्वास्थ्य, इसके बारे में है। फिर वो नॉन वेज हो, दूध हो या डेयरी प्रोडक्ट्स हो, तो इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। जो व्यक्ति जिसके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोर मांसाहारी थे, उनकी खुद की डेयरी भी थी, गिर की गाय भी थी उनके पास और भैंसों के तबेले भी थे उनके पास, तो उनका अनुभव और उनके निर्णय और कैसे गौ पालन किया जाए, कैसे पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक खेती की जाए, वर्तमान डेयरी की वायबिलिटी, कमर्शियल वायबिलिटी क्या है, और क्या जानवर जरूरत से ज्यादा दूध देते हैं, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसका हम समाधान ढूंढेंगे, सत्य जानेंगे और सही तरीके से गौ पालन कैसे किया जा सकता है वो भी हम समझेंगे उनसे। और एक चीज मैं आज यहां आपको बता दूं, किसी भी धर्म में किसी भी जानवर को सताना या अकारण उसको मारना उसका निषेध है। तो आइए समझते हैं सही जीव दया क्या है, अभयदान क्या है। नमस्कार, नमस्कार। मैं प्रदीप शाह, एनडीएस का साधक और प्रमोटर। आज हमारे साथ में न्यू मुंबई के रेप्यूटेड बिल्डर और डेवलपर बाबा साहेब हमारे साथ में हैं। बाबा साहेब हमारे साथ जुड़ के ये इंटरव्यू देने के लिए आपका धन्यवाद। आप बहुत संक्षेप में आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम बाबा साहेब भोसले, भोसले पाटेकर ग्रुप बिल्डर एंड डेवलपर। ये इस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरा न्यू बॉम्बे मेरा बिजनेस चलता है। अच्छा बाबा साहब, आपको क्या क्या हेल्थ के प्रॉब्लम थे जिसके लिए आप एनडीएस में आए थे? मेरे को एनडीएस में आने के पहले मेरा ओवरवेट ज़्यादा था, 110 केजी मेरा वेट था। मेरे को बीपी, डायबिटीज़ और पिस्टुला का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे को। उसकी 4 सर्जरी हो गई थी और वो शेपिंग में भी एक सर्जरी करना पड़ा था मेरे को, और उसके ऊपर मेरे को कम से कम 10 लाख खर्चा आया था। तो एनडीएस में आने के पहले ये 3-4 बड़ा बीमारी मेरे को थी। मीन्स आपने लाखों के खर्चे किए, बहुत सारे डॉक्टर के पास गए थे, ऑपरेशन बहुत ट्राई की थी, फिर आप एनडीएस में आए। एनडीएस में आने के बाद क्या हुआ, आपके हेल्थ में क्या चेंजेस आए? मैंने जब भी एनडीएस के बारे में सुना तो मैंने लोनावला में बी वी चौहान सर का शिविर अटेंड किया, और वहाँ पे शिविर में मैंने अटेंड करने बाद मालूम पड़ा कि अपना आदमी का रूटीन कैसा होना चाहिए और इंसान के नाते अपना अपन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में पूरा क्लैरिटी के साथ मेरे को जानकारी मिल गई। और वो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने वो तय किया कि ये रास्ते पे चलेंगे तो मेरे को स्वास्थ्य पक्का मिलेगा। तो आपने ये डाइट फॉलो किया, बराबर है? हाँ। तो आपके सब हेल्थ के जितने भी प्रॉब्लम थे सॉल्व हो गए? हाँ, ये डाइट फॉलो करने के बाद मेरा वज़न 110 से 76 केजी पे आ गया। मेरा रिपोर्ट अभी पूरा डायबिटीज़ नील है, बीपी एकदम प्रॉपर, जब 25 साल के लड़के का जैसा ऐसा प्रॉपर 120 आता है, और बाकी जो भी पिस्टुला का जो प्रॉब्लम था एकदम नील हुआ है। अभी मैं पूरा एकदम 100% फिट हूँ। अच्छा, आपके एनर्जी लेवल में कैसा लग रहा है? आपका जो थकान वगैरह जो प्रॉब्लम थे उसमें कैसा पहला हो रहा पहला इंडेक्स में आने के पहले मेरे को बहुत थकान था। मैं काम भी कम करता था, 6 बजे के बाद मैं ऑफिस बंद करके घर में जाके थके, और चिड़चिड़ापन भी मेरे में ज़्यादा था। लेकिन इंडेक्स होने के बाद मेरी एनर्जी डबल हो गई है, मैं काम भी ज़्यादा करता हूँ और मेरे को हमेशा मैं स्फूर्ति और एनर्जी से भरा रहता हूँ अभी। अच्छा, अभी एनडीएस में आने के बाद में आपके डाइट में, एक तो आपने नॉनवेज भी छोड़ा, हाँ, आपने मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ा, पकाया हुआ भोजन जो आप खा रहे थे, तला हुआ भोजन था, वो भी आपने छोड़ा है, तो आपने कुछ खोया या कुछ पाया इसमें से? तो मैं ज़रूर इधर बताना चाहूँगा कि मैंने
वो खो के भी बहुत कुछ पाया है। मैं पहला बहुत नॉनवेज और मिल्क प्रोडक्ट, खुद मेरे पास गाय का और भैंस का तबेला था, उससे मैं शौक से बहुत दूध और घी और नॉनवेज खाता था। तो मेरा दिनचर्या और खाने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, ऐसा बिंदास खाता था। मेरे को लगता था कि ये चीज़ खाने के बाद मेरे को हेल्थ मिलेगी, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं मिल रही थी। लेकिन NDS के साथ जुड़ने के बाद ये सब चीज़ मैंने त्याग कर दी, और मैंने कुक फूड भी मैंने 90% मैंने पूरा त्याग है। तो पूरा नेचुरल और मिल्क प्रोडक्ट मैंने पूरा छोड़ दिया है, और नॉनवेज पूरा छोड़ा है। ये छोड़ने के बाद भी मैंने कुछ बहुत कुछ पाया है, और मैं अभी एकदम फिट और चुस्ते और पूर्ति से पूर्ण भरा हूँ। अच्छा बाबा साहब, आपने बताया आपके खुद की गिर की गायें थी आपके पास, आपका खुद का तबेला था, तो ऐसा क्या हो गया NDS में, ऐसा क्या आपने NDS में देखा कि आपने नॉनवेज भी छोड़ दिया, और आपका जो डेयरी का जो आपका जो सेटअप था वो आपने पूरा बंद कर दिया? तो लोनावला का जब भी मैंने शिविर बीवी चौहान सर का अटेंड किया था, तभी प्रदीप भाई शाह आपने सर आपने जो दूध के बारे में समझाया, और गाय के ऊपर जितना अत्याचार और भैंस के ऊपर अत्याचार करके हम लोग दूध निकाल के हम लोग खा रहे हैं और अपना हेल्थ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेमिनार सुनने के बाद दूध और वो जानवर के बारे में मेरे को पूरा मेरा माइंड ओपन हो गया, और मैंने तुरंत दूध बंद किया था। दूध बंद कर मैंने तुरंत छोड़ दिया था कि दूध ये हमारे लिए बना ही नहीं, दूध जो जिस बार जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए वो दूध बना है, और तो दूध ये अपना है ही नहीं। तो जो गलती मैंने 50 साल में की थी मैंने सुधार दी, और मेरा तबेला चालू था और भैंस का भी तबेला चालू था। तो मेरे को लगा कि ये चालू रखने से और मेरे हाथ से और कुछ पाप हो जाएगा, कि ताकि 500-600 लोगों के घर में मेरा दूध जाता था। तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ये तबेला बंद कर दूँ, तो मैंने पूरा तबेला बंद कर दिया। उसमें 70-80 लाख मेरे को उसमें घाटा हो गया, लेकिन मैंने खुशी से बंद किया कि मैं वो घाटे में मेरा अभी मैं फ़ायदा समझता हूँ। और मेरे पास जितना भी गाय थी वो मेरा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में गाँव है सांगोला, उधर मैंने अभी छोड़ दिया है। तो हमने गाय को अभी खुला, गाय को हमने 1 एकड़ ज़मीन में शेड बनाया है, और उधर खुला छोड़ के नेचुरल तरीके से हम लोग अभी गाय को पाल रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज़ है, आपने 80 लाख से ज़्यादा का नुकसान किया, लेकिन आपको उसका अफसोस नहीं, तो हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी ये सोच थी और आपने ये निर्णय लिया। अब भी आपके पास गिर की भी बहुत सारी गाय थी, वो आपने बताया कि मैं आपने सोलापुर भेज दी है, तो आपने उसको खुला छोड़ दिया, आप क्या उसको बांध के रखते हैं, उसका दूध निकालते हैं? अभी हम लोग जब भी अपना, मेरा मानना है कि गाय हमारे धर्म में अपन गाय को माता समझते हैं, और यहाँ पे हम लोग कमर्शियल उसके साथ दूध का बिजनेस करते थे, तभी मेरे को लगता था कि गाय को हम दूध के लिए पाल रहे थे। लेकिन जब भी प्रदीप भाई ने जिस तरीके दूध और गाय के बारे में सुनाया, तभी मेरा एकदम अंदर से मेरा अंतरात्मा की आवाज़ आई कि नहीं, अपन तो अगर गाय पालना है सचमुच, तो हमको गाय के साथ माँ जैसा बर्ताव करना चाहिए। तो हमने जो शेड बनाया है उधर, तो एक जगह में गाय ऐसा बैठने के लिए अरेंजमेंट किया है, बाजू में पानी पीने का अरेंजमेंट किया है, तो हम उसको बिल्कुल बांधते नहीं। गाय और बच्चे साथ में खुले है, बुल भी उनके साथ में रहता है, नेचुरल जैसा एक परिवार में जैसा हम लोग रहते हैं, इसका वो गाय और उनका परिवार हमने उधर रखा है। क्योंकि मैं गाय को बेच सकता था, लेकिन मेरे को डर था कि गाय बेचे तो किधर कत्तल खाने में जाएगी, तो ये भी पाप होएगा बोल के मैंने उधर अभी मैंने उधर छोड़ा है। और एकदम नेचुरल तरीके से वो जितना खाना है वो खाती है, उसको बच्चों को जब भी दूध पिलाने के दिन में 2-4 बार उसका खुशी से पिलाते हैं, जितना पानी पीना है पीते, नेचुरल खाना खा के गाय खुशी से रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा हाथ से कुछ पुण्य का काम होगा, गो पालन गो माता की सेवा होगी, ऐसा मेरी धारणा। अच्छा, तो बाबा साहब आपने बताया है कि आपने गाय को और बछड़े को खुला छोड़ दिया है, बछड़े को जितनी बार दूध पीना है वो पी सकता है, बछड़ा खेल सकता है, कूद सकता है, नाच सकता है, और माँ भी जो है वो घास अपना जो चारा खाती है और जाके खेत में जाके चारा खाती है और सनलाइट भी लेती है, बराबर आपने प्राकृतिक वातावरण में रखा है। क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि गाय जरूरत से ज़्यादा दूध देती हैं? हाँ, ये लोग इतना गलत फहमी है कि दूध गाय ज़्यादा देती है, भैंस दूध ज़्यादा देती है, लेकिन हम लोग अगर उसको नेचुरल तरीके नेचुरल खाना खिलाएंगे, ओवर फीडिंग अगर नहीं किया या कोई सप्लीमेंट नहीं दिया, तो गाय ज़्यादा बिल्कुल नहीं दूध देती, ये मेरी धारणा नहीं, मैं उधर कर रहा हूँ, कभी भी आप आके उधर देख सकते हैं, गाय और बच्चा खुला है, गाय बिल्कुल नहीं दूध देती। जितना बच्चे के लिए दूध चाहिए अगर उसको नेचुरल फीड दिया, नेचुरल खाना ग्रीन फोल्डर और सूखा चारा देने के बाद गाय
जो बच्चे के लिए जितना चाहिए उतना ही दूध आता है, लेकिन हम लोग उसको ओवर फीडिंग करने के बाद तो गाय ज्यादा दूध देगी, लेकिन वो नहीं करेंगे तो गाय बिल्कुल दूध नहीं देगी। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जानवर जो है प्राकृतिक तरीके से रखेंगे, गाय हो या भैंस हो, तो वो जरूरत से ज्यादा एक भी बूंद देते नहीं, बिल्कुल है, बराबर है, बिल्कुल नहीं देते। तो ये मान्यता जो है हम दूध नहीं निकालेंगे तो उनको कष्ट होगा, वो गलत है। आप अप्राकृतिक तरीके से रखते हैं इसलिए ये प्रॉब्लम है, बराबर है। तो एक बड़ा भ्रम आपने दूर कर दिया है, राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। अभी मुझे ये बताइए कि ये जो आप गाय को संभाल रहे हैं उसमें आपको इकोनॉमिक्स कैसा दिखता है? मीन्स ये गाय का दूध ये जो आज बाजार में 40-50-60 रुपए लीटर बिक रहा है, अगर मैं अच्छी तरह से गौ पालन करूं, मैं इतना बड़ा एक जमीन खरीदूं, उसमें एक शेड बनाऊं, उसमें कुछ थोड़ी गायें रखूं और उनके लिए चारे की व्यवस्था करूं, उनको जो है खुला खेत भी दे दूं और कुछ आदमी लोग रखूं उसको संभालने के लिए, कोई डॉक्टर को भी रखूं उनकी देखभाल के लिए, तो ये क्या क्या भाव में ये दूध मिल सकता है? अभी अगर पूरा इसको कमर्शियल एंगल से अगर देखा जाएगा, अगर लैंड से लेके फिर वो जो शेड बनाते हैं वो शेड का खर्चा, और उधर गाय की सेवा करने के जो भी हम लेबर रखते हैं उनका खर्चा, और गाय का दिन का खाना प्लस रेफ्रिजरेशन लगेगा आपको, ये सब लगेगा, तो ये सब कॉस्टिंग पकड़ेंगे, आपको सप्लाई करना है तो क्या भाव में लगता है? 400-500 लीटर रुपये लीटर में भी आप दे सकते हैं? नहीं, वो 400 रुपये तक भी जा सकता है, और ये सब खर्चा जोड़ेगा तो कमर्शियली बहुत खर्चा आ सकता है। अच्छा, अभी दूसरी बात जो होती है कि गाय के गोबर में और गौमूत्र में से भी बिजनेस हो सकता है, उसमें से भी कुछ कमाई हो सकती है, तो पहले मुझे ये बताए कि गाय को क्या खिलाएंगे तो उसका गोबर यूजफुल है और उसका गौमूत्र यूजफुल है, पहले वो बताइए। गाय का जो नेचुरल चारा है, जैसा हम पहला गाय खुला छोड़ देते थे जंगल में, गाय चारा खा के आती थी और उतना ही होता था खुराक, कभी पहला कभी ऐसा खुराक ज़्यादा देता ही नहीं थे हम लोग। अगर उसको नेचुरल तरीके से हमने रख दिया तो गाय का जो भी गोबर निकलेगा वो तो एकदम अच्छा गोबर होगा, तो अब हम वो गोबर से हमारे खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, और गाय का जो गोमूत्र आता है उससे जीवामृत बना के, जो भी जो फर्टिलाइज़र हम लोग पहला स्प्रे करते थे उसके बदले में वो जीवामृत का स्प्रे करके सेंद्रिय तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग अभी पेस्टिसाइड की जगह आप ये गौमूत्र यूज कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन क्या ये पैसे से आपका पूरा इंडस्ट्री चल सकता है, आपका जो है? अभी फिलहाल तो वो तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन भावना ये थी कि गाय की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, और हम लोग वर्मी कंपोस्ट और जो भी स्प्रे केमिकल जो स्प्रे करते थे उसमें बदले में गौमूत्र से जो भी दवा बना के हम लोग स्प्रे कर रहे हैं अभी, तो ये कॉस्टिंग तो मैच नहीं होता है, लेकिन एक सुकून मिलता है, एक सेवा के भाव से आप ये कर रहे हैं, हम लोग अभी कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बराबर है। अभी एक जो प्रश्न है, क्या दूध पीना सबको जरूर है? बिल्कुल जरूर है, कि मेरे इंडिया में आने के पहले यह धारणा थी कि गाय की दूध, देसी गाय का दूध पीना चाहिए, इसके लिए मैंने एक देसी गाय का भी तबेला बनाया था, लेकिन वो धारणा मेरा शिविर प्रदीप भाई ने जिस तरीके से बताया तभी मेरी धारणा एक मिनट में रातों रात वो चक्का चूर हो गई, और बिल्कुल दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नेचर में कोई एनिमल अपना माँ का दूध पीने के बाद कभी ज़िंदगी में नहीं पीता है। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान अपना माँ का दूध पीने के बाद जिंदगी तक, मरने तक, बूढ़ा होने तक दूध पीता है, ये तो बहुत दुख की बात होता है। ये मेरे को रियलाइज़ होने के बाद हमने दूध पूरा बंद कर दिया, हम दूध बिल्कुल नहीं, 2 साल से हम लोग दूध को हाथ भी नहीं लगाते हैं। दूध उसके बच्चे का हक है, उसको पीने देना चाहिए, और उससे जो अपने को सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो लेना चाहिए। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ आप गौ पालन कर रहे हैं, तो आपके उधर जो व्यवहार जो इस गाय के साथ या उसके परिवार के साथ होता है वो ऐसा व्यवहार है जो व्यवहार हम हमारी बेटी के साथ करते हैं, हमारी बहन के साथ करेंगे या हमारी माँ के साथ करेंगे, ऐसा व्यवहार करके अगर आपने गौ पालन किया तो ठीक है, बराबर है, राइट, एकदम सही। लेकिन शोषण करेंगे, स्वार्थ है तब तक उनको संभालेंगे, स्वार्थ हो गया तो उनको कत्ल खाने भेज देंगे, ये कितना वाजिब है? ये बहुत, ये सब जगह ऐसा ही चल रहा है कि अगर कमर्शियल एंगल से अगर गोपालन जो भी कर रहे लास्ट में गाय तो कत्ल खाना जाएगी, हर जानवर जो भी पाल रहे है वो लास्ट में कत्ल खाना ही जाता है, और दूध के लिए हम लोग ये बहुत बड़ा पाप कर रहे, और अगर ऐसा सेवा अगर बेजुबान के अगर हम करेंगे तो मेरे को नहीं लगता इससे कुछ मिलेगा अपने को
पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन पाप तो बहुत बड़ा पाप लग सकता है। बहुत भारी कर्म कर लिया ऐसा नहीं लगता आपने? मेरे को लगता है ऊपर वाले ने मेरे को वो ताकत दी कि मैं गौ माता की सेवा करो, अपने माँ बहन जैसा उसके साथ व्यवहार के साथ उनको पालो। तो मैं समझता हूँ मैं एक माध्यम हो कि इनको सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है बेजुबान का, तो मैं उसको इसमें मैं धन्यता मानता हूँ कि कुछ ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ ये काम दिया है और मेरे माध्यम से हो रहा है कि मैं यही मेरे खुशी होती है। आपके लिए तो हमारा जो वंदन है प्रणाम है कि आपने एक छोटे से सेमिनार में आके इतना सारा समझ लिया है। तो आपका संदेश ये जो गौ पालन कर रहे हैं या जो डेयरी इंडस्ट्री चलाते हैं उनके लिए क्या है? मैं जरूर सबको बताऊंगा कि अगर गाय या कोई भी बेजुबान जानवर पालना है तो स्वार्थ लेके दूध के लिए तो बिल्कुल मत पालिए, क्योंकि उसका एन गाय कत्ल खाने में जाएगी। कोई भी जानवर कत्ल खाना ही जाना है और उसका जिम्मेदारी उसका पाप वो जो पाल रहा है उसके ऊपर ही आएगा, क्योंकि दूध हमारा अन्न नहीं है। तो दूध बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि दूध आप बच्चे का हक है। अगर कमर्शियल एंगल से अगर आप लोग ये जो कर रहे तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इसके लिए बीमारी इतना बढ़ रही, तो ये बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर सेवा भाव से अगर बेजुबान का एक इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी भगवान ने अपने को बनाया, अगर सेवा भाव से अगर कुछ जानवर की सेवा अगर आपको करना है तो वो भाव से करिए, तो आपको उसके बदले में उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन ऐसा दूध और उसका कोई मांस के लिए अगर ये कोई पाल रहा है, पाप की सेवा, मेरे को नहीं लगता कि पाप के भागीदार अपन बनेंगे। सब लोग बनेंगे जो भी इसमें सहभागी, सब लोगों को पाप की सेवा कुछ नहीं मिलना है, ये मेरा संदेश रहेगा। अच्छा, अभी एक अंतिम प्रश्न है मेरा। आप खुद मांसाहारी थे, दूध पीने वाले थे, बहुत। ऐसे बहुत सारे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? बहुत शॉर्ट में बताइए। एक मांसाहार और दूध बिल्कुल मानव प्राणी का है ही नहीं अन्न। मांसाहार तो वाघ चित्ता शेर का मांस वो जंगल में रहते वो खाते हैं, और दूध जो है दूध हम हमारे माँ का अपने दूध पिया है, तो उसके बाद नेचर में कोई प्राणी दूध नहीं पीता है मानव को छोड़ के। लेकिन सबसे बुद्धिमान प्राणी ये गलती कर रहा है, अपना माँ का दूध पीने के बाद भी जानवर का दूध पी रहा है, गाय का दूध पी रहा है, जो दूसरे बच्चे का हिस्से का दूध पी के वो हेल्थ पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा गलत है और ना समझ वाला काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है ये तो पाप वाला काम हो रहा है सबके हाथ से, इसके लिए हम बीमारी को आमंत्रित दे रहे हैं और आज पूरी दुनिया पूरा देश अपना बीमार है। तो मेरे को लगता है कि अगर ये पाप का काम अगर हमने करना बंद कर दिया तो मेरे को लगता है हम बीमारी से बचेंगे और एक सेवा भाव से बेजुबानों की सेवा भी हो जाएगी। बाबा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक ऐसा सत्य बताया है जो सभी समाज के व्यक्तियों को जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि दूध जो है वो अपनी माँ का ही अमृत है, बाकी सब जो है स्लो पॉइजन है, साइलेंट किलर है, तो इससे बचना है। और इससे जो पर्यावरण का जो नुकसान होता है वो हमने हमारी सोच के बाहर का है। तो बस यही संदेश है बाबा साहेब का, आप खुद चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और आपका डिसीजन आप लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।